अच्छा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मेरे मायके। मायके में ना मेरे मम्मी के यहाँ पे जो खेत है वहाँ पर उन्होंने भंडारा रखा है। भंडारा मीन्स जो महाराष्ट्रियन है उनको तो पता होगा भंडारा क्या होता है, बट भगवान के लिए कुछ मतलब अन्नदान किया जाता है। तो मंदिर है वहाँ पे, वजह से वहाँ पर ना हर साल भंडारा रखा जाता है। इस वजह से हम लोग आज जाने वाले हैं और बस निकल ही चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और आपको बता भी देती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। और मैंने इनको बोला था कि बाहर एक जगह पर गाड़ी रोकेंगे और वहाँ पर नाश्ता करेंगे, तो ये बोला कि ऑलरेडी हमें लेट हो चुका है। तो यहाँ से ये बाहर से नाश्ता लेके आए थे, मतलब लेके आए थे मतलब लेके आए हैं। और बस अभी कितने बजे हैं यहाँ पर, इसमें इन्होंने ले लिया है और अभी गाड़ी में खाएंगे हम लोग। और अभी बज रहा है 11:15। लाइट ऑफ कर देती हूँ। सब कुछ ऑफ किया ना, पावर बैंक ले लूँ क्या? चलो तो चलिए फिर चलते हैं। 11:15 बज गया है क्योंकि ऑलरेडी लेट। हाँ, पावर बैंक की चार्जिंग कर ली है पापा ने, तो चलो फिर, ऑलरेडी लेट हो चुका है हमें। तो कोई भी टिकटॉक कभी देख रहे हो? चलो फिर। चलो प्लीज। मटकू। चलो। जय श्री राम। मला नदी भेटली। मदी। ओ। मला नदी भेटली मम्मा। तुला नदी भेटला? हाँ। गाइज, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे खेत में, क्योंकि घर में कोई नहीं था तो हम घर गए ही नहीं, डायरेक्टली हम लोग खेत में ही आ गए थे। और यहाँ पर माही तो चली गई थी पहले ही, मतलब तेज तेज भाग के। और यहाँ पर अद्विक भी देखिए, अद्विक को सब लोग दिख रहे हैं तो अद्विक भी तेज तेज भाग रहा है। और अद्विक को ऐसा माहौल देखने के लिए मिला ही नहीं है। पिछले साल वो थोड़ा छोटा ही था तो इसी वजह से उसको इतना नहीं समझता था उस टाइम, और इस साल ना थोड़ा सा उसको समझने लगा था। तो इसी वजह से उसको ऐसा माहौल देख के ना वो इतने काम करने लगा था वहाँ पे। और वो मतलब मैं करता हूँ ही करता था। यहाँ पर मैंने वो आपको फल्ली दिखाई है, वो है अरहर की। आपके साइड में पता नहीं मतलब आपको पता होगा या नहीं होगा, तो हमारे साइड में इस तरह से खेत में लगाई जाती है, मतलब उसके पेड़ होते हैं। और यहाँ पर वो कॉटन के पेड़ है। और यहाँ पर अंकल आ गए थे उसको लेने के लिए, सभी लोग वेट ही कर रहे थे। सबसे लास्ट हम लोग गए थे और सभी लोग वेट ही कर रहे थे। तो यहाँ पर आंटी वगैरह वो जो फल्ली है वो तोड़ रही है, क्योंकि उसके जो दाने होते हैं उसके हम लोग सब्जी बनाते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, मतलब भैया लेके आए थे। तो ये मेरा भाई है, मौसी का बेटा, वो भी वेट कर रहा था। वो भी कब से मुझे कॉल कर रहा था और हम लोग बातें कर रहे थे, पता नहीं वो क्या कर रहा है फ़ोन के साथ। तो यहाँ पर अभी इस बार ना मतलब मौसम ऐसा है कि कभी भी बारिश आ सकती थी, इसी वजह से पंडाल नहीं डाला था। नहीं तो पंडाल डालते हैं हमेशा, हर साल पंडाल डालते हैं, सिर्फ बारिश की वजह से इस साल नहीं डाला था। और यहाँ पर ये है मंदिर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटा सा मंदिर है ये, मतलब खुले ही थे भगवान जी यहाँ पर। तो पापा ने मंदिर बनवाया यहाँ पर, जैसे पापा ने यह खेत खरीदा था उसी टाइम, फिर पापा ने उसके बाद ये मंदिर बनवाया। और उसके बाद यही टाइम पर मतलब जनवरी दिसंबर या जनवरी में ही होता है ये प्रोग्राम। जनवरी में ही, हाँ जनवरी में ही होता है ये वाला प्रोग्राम। और बस साल में एक बार होता है, तो साल में एक बार ही आना होता है यहाँ पे। और यहाँ पर मेरा पुणे वाला भाई, उसको दिख गया था माही को, तो वो कितनी एक्साइटेड हो रही है उससे मिलने के लिए। देखिए, मैंने उसको बोला कि कैमरा में कैप्चर हो रहे हो आप लोग, तो फिर वो रुक गई थी। तो ऐसे कर कर ये मेरी भाभी है, वही पुणे वाले भाई की वाइफ,
माही उसको कॉटन दिखा रही थी। सभी को मज़ा आता है, मतलब खेत में तो काफ़ी मज़ा आता है, ऐसे कोई प्रोग्राम होता है तो ही जाना होता है, इसी वजह से हम लोगों को काफ़ी मज़ा आता है। एक साल में एक बार जाते हैं हम लोग। और वो मुझे भी दिखा रही थी कि आप दिखाओ दिखाओ करके, ये कॉटन के पेड़ दिखाओ आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को भी दिखा दी ये कॉटन के पेड़। तो ऐसे करके सारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से हुआ, सब लोग मिले, मतलब और रिलेटिव वगैरह एक ही साल में एक बार सभी लोग मिलते हैं हमारे यहाँ पे। और यहाँ पर सब काट कूट के रखा था, सब लोग यहाँ पे बाटी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे बिट्टी बोलते हैं, इसे बाटी बोलते हैं वैसे, तो ये बाटी बनाई जाती है इस टाइम, दाल बाटी और बैंगन की सब्जी, तो यही फेमस है हमारे साइड में। तो कोई भी प्रोग्राम भंडारा होता है तो यही, मतलब बैंगन की सब्जी तो होती ही होती है, और ये बाटी होती है और क्या बोलते हैं दाल होती है, तो ऐसे करके खाना बनता है। तो ये खाना भी माही ने कैप्चर कर लिया था, मैं तो गई नहीं थी अंदर, तो माही को बोल दिया था मैंने कि अंदर क्या चल रहा है देख लो। तो ऊपर वो वाला घर आपको, मतलब जो ये घर है जहाँ से मैं शूट कर रही हूँ ऊपर से, तो ऊपर एक रूम है, नीचे गोडाउन बना है माल रखने के लिए, तो ऐसे घर मतलब बनाया था जो फार्म हाउस बोलते हैं हम लोग इसे। तो ये इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी पहले बनाया था जब पापा ने खेत लिया था ये वाला, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो जहाँ तक वो दिख रहा है आपको, वहाँ तक, वहाँ से लेके पीछे तक पापा का ये है, मतलब जो भी आपको खेत दिख रहा है वो। और यहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, तो जहाँ जहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, जहाँ जाके पेड़ दिख रही है आपको लास्ट में कंपाउंड जैसे, वहाँ से लेके मतलब जहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगी अभी पीछे से लेके यहाँ तक, वो मतलब हमारा ही खेत है। और यहाँ पर मेरे छोटे भाई के साथ ये बातें कर रहे थे, और ये यहाँ पर सारी जो लेडीज़ है, मतलब सारी घर की बहुएँ हैं, तो वो सारे मिलके बातें कर रही थी, वेट कर रही थी एक्चुअली कि कब खाना बनेगा। तो खाना बना नहीं था एक्चुअली, तो हम लोग गए थे तो उसी टाइम खाना बन ही रहा था, तो जैसे ही हम लोग गए थोड़ी देर रुके और उसके बाद फिर खाना परोसना स्टार्ट हुआ, तो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। यहाँ पर मेरी मम्मी बता रही है, कुछ तो भी बता रही थी, पता नहीं क्या है, तो हाँ सैंडविच वगैरह के बारे में या कुछ तो भी बता रही थी मम्मी कि सैंडविच सिखाया था उस दिन तो उसकी पूरी रेसिपी बताना ऐसे करके। तो मेरी मम्मी को वो ग्रिल वाला सैंडविच का बहुत पसंद आया था, मतलब ग्रिल वाले सैंडविच की रेसिपी चाहिए थी मेरी मम्मी को, पता नहीं अभी मेरी मम्मी पूरी रेसिपी मांग रही थी कि आप बना के बताओ, आप बना के बताओ करके, तो मैंने बोला कि ठीक है। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे फिर रात को, शाम को, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ केले वगैरह, तो इस तरह से केले थे हमारे खेत के। और चलिए फिर अभी घर जाते हैं, मतलब घर के लिए निकल चुके थे हम लोग, तो इसी मतलब घर जाऊँगी इधर से जाने के बाद, मतलब मम्मी के घर थोड़ी देर रुकेंगे हम लोग और उसके बाद फिर चले जाएंगे घर। गाइज हम लोग फिर घर पे आ गए थे, सुबह का टाइम है नेक्स्ट डे का, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा, तो काफ़ी बार मैंने पोहा आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट फिर भी काफ़ी लोग रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि पोहे की रेसिपी बताओ, पोहे की रेसिपी बताओ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कैसे पोहा बनाती हूँ फिर आपको लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि एक दिन छोड़ के, एक दिन क्या, डेली हमारे घर पे ब्रेकफास्ट में पोहा ही बनता है, तो इसी वजह से पोहे की रेसिपी कोई ये नहीं है कि मैं कभी बनाऊंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऐसे करके मूंगफली मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद जीरा राई डालती हूँ, उसके बाद फिर मिर्च डालती हूँ काट के, और फिर लंबा लंबा काटा हुआ ये प्याज डालती हूँ, उसको अच्छे से होने देती हूँ, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है उसे सब्जी जैसा, और उसके बाद आलू डाल देती हूँ। तो बस इस तरह से आलू को पकने देती हूँ अच्छे से, ताकि वो गल जाए आलू, थोड़ा सा आलू गलने के लिए फिर उसको ढक के रख देती हूँ, तो थोड़ा सा थोड़ी देर में स्टीम आ जाती है और आलू गल जाता है। उसके बाद ना उसमें हल्दी वगैरह ऐड करती हूँ, और हल्दी वगैरह सिर्फ हल्दी ऐड करना है आपको, और बस उसमें क्योंकि हमने लाल मिर्च ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमने हरी मिर्च उसमें ऐड की है, तो लाल मिर्च ऐड नहीं करनी है, और हल्दी ऐड करनी है और नमक ऐड कर देना है बाद में। पहले पोहा भिगो के मैंने रख दिया था, तो पोहा मैं डीमार्ट वाला यूज़ करती हूँ पैकेट वाला, तो ये मैं अपने पोहा भिगो के रख दिया था, अभी यहाँ पर मैंने पोहा डाल दिया है। उसके बाद मैं ऊपर से नमक डाल दूंगी, जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है, जितना आपको अच्छा लगता है, किसी को कम नमक अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा नमक अच्छा लगता है, तो आपको इस तरह से नमक ऐड कर देना है, और उसके बाद फिर अच्छे से चला लेना है ताकि उसमें सारा मसाला लग जाए, मतलब जो हमारा ये है हल्दी वगैरह है, तो वो उसमें अच्छे से लग जाए पोहे में। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मैं पानी छिड़क दूंगी, क्योंकि मैंने पहले पोहा जो है वो भिगो के रख दिया था, थोड़ा सा वो ड्राई हो गया था, तो इसी वजह से मैंने हल्का सा पानी छिड़क दिया है इसके ऊपर, और बस इसे अभी थोड़ा सा ढक के रख दूँगी स्टीम आने के लिए, क्योंकि पोहा में मस्ट है स्टीम आना, मतलब स्टीम की वजह से ही पोहा ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं स्टीम काफ़ी देर तक आने दूँगी उसे, और सिर्फ कम आँच में रखना है, और
चीनी ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि चीनी की वजह से बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ती है पोहे की। तो इस तरह से आप चीनी ऐड कर दीजिएगा और मिक्स कर लीजिएगा, और उसके बाद अच्छे से ढक के रख दीजिएगा, और मतलब लो फ्लेम पे। तो लो फ्लेम पे अगर आप पोहा को ढक के रख दोगे और काफ़ी देर तक ढक के रख दोगे ना, तो अच्छे से स्टीम आ जाएगी, तो पोहे की टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत टेस्टी लगता है पोहा। उसके बाद काफ़ी देर के बाद मैंने ओपन किया, उसके बाद मैंने अच्छे से उस पर धनिया गार्निशिंग के लिए डाल दिया, और उसके बाद उसे मिक्स कर लिया, और अच्छे से आप देख सकते हो स्टीम कितनी अच्छे से आ गई है। और बस अभी मैं प्लेट्स लगाऊंगी, मतलब प्लेट्स भरूंगी, और यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए प्लेट्स भर रहे हैं। और एक्चुअली ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया था, थोड़ा सा लेट ही हो गया था हमें, क्योंकि कल रात की थोड़ा सा थकावट थी और इसी वजह से थोड़ा सा लेट उठे थे, क्योंकि संडे था तो इसी वजह से। और आज भी हमें खाना खाने के लिए जाना है किसी के यहाँ पे, तो इसी वजह से ब्रेकफास्ट ही हम लोगों को घर पे बनाना है। तो यहाँ पर फिर ब्रेकफास्ट के साथ ही हमें चाय भी चाहिए होती है, तो मैंने ब्रेकफास्ट की प्लेटें दे दी थी वहाँ पे, और यहाँ पर चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है हमारा, तो वैसे ही हमें चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि जैसे प्लेट हम लोग रखते हैं नीचे ब्रेकफास्ट के, उसी टाइम हमें चाय चाहिए होती है। थोड़ी देर भी मतलब हम वेट नहीं कर सकते चाय के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिया था हम लोगों ने, थोड़ा सा मुझे डस्टिंग के लिए लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर ये जो शेल्फ है थोड़ा सा उसमें डस्ट जमा हो गया था, क्योंकि ये ना डेली क्लीन नहीं होती है, 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद ये वाली शेल्फ मैं क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से, और यहाँ पर भी ये तो डेली का ही है मेरा, तो क्योंकि वो वाली शेल्फ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है, उसमें इतने सारे शो पीसेस है, और शो पीसेस निकालना और वो उसे क्लीन करना, तो डेली इतना ज़्यादा धूल तो बैठती नहीं ऊपर, बट फिर भी मैं 4-5 दिनों के बाद उसे क्लीन कर लेती हूँ। तो ऐसे करके उसे क्लीन करने का आज दिन था, तो आज उसे भी क्लीन कर लिया। और कल रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था हमें घर पर आने के लिए, मतलब मम्मी के यहाँ से ही हम लोग लेट निकले थे, फिर गाँव गए, गाँव में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया सब लोगों के साथ, फिर वहाँ से निकले तो यहाँ पर काफ़ी लेट हो गए थे। फिर मन भी नहीं कर रहा था कि व्लॉगिंग करने का, फिर हम लोग ना आके डायरेक्टली सो गए, तो इसी वजह से अभी उठे हैं, क्लीनिंग वगैरह की थोड़ी सी जैसे कि आपने देखा, और ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, और आज भी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ऐसे ही इस सीज़न में पता नहीं लोग ऐसे खेत में या कहीं पर भी ऐसे भंडारे वगैरह रखते हैं, तो आज भी हम लोग ऐसे रिलेटिव के यहाँ पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो उन्होंने भी कहीं बाहर वही रखा है भंडारा। तो चलिए फिर चलते हैं जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, पर हमारा ऐसे ही होता है, हमेशा का ही है लेट होना। तो चलिए फिर डायरेक्टली मिलती हूँ मैं वहाँ पर ही आपसे। गाइज यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, और जो मुझे अमरावती से या अमरावती के आजू बाजू से देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि ये कोंडेश्वर है। कोंडेश्वर में यहाँ मतलब जिनको पता है उनको तो पता होगा, मतलब जिन्होंने देखा है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो इसी वजह से मुझे भी नहीं पता था। एक्चुअली आना ही नहीं होता है ज़्यादा मतलब इस साइड में, तो इसी वजह से अभी ये प्रोग्राम था, तो इसी वजह से आना हुआ इस बार। वैसे मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ पर आऊँ आऊँ, बट आना ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर एक ये है मतलब लेक है, तो वहाँ पर भी अच्छा था, तो मतलब उसके बाद हमने खाना खाने के बाद गए थे वहाँ पे भी लेक पे, तो वो भी आपको दिखा दूंगी मैं। और यहाँ पर एक कुआँ है, तो बड़ा सा कुआँ है, तो मैंने वो भी शूट कर लिया कि चलो आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर हमारा खाना हो गया था, और सबको बाय ही कर रहे थे हम लोग, उसके बाद लेक पे गए थे, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया वहाँ पर भी हम लोगों ने। और बस मरून साड़ी वाली जो मासी है उनके यहाँ का ये भंडारा था ये, और यहाँ पर बस यहाँ पर ना मैं सेल्फी निकाल दी, तो वीडियो ऑन हो गया था, तो चलो मैंने वहाँ वो भी ऐड कर दिया। और यहाँ पर ऊपर जाने के बाद ऊपर लेक है एक, तो वो भी नज़ारा मैं आपको दिखा दूँगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। और हाँ, एडिट करने के टाइम मुझे सडनली याद आया कि अभी मेरी एक प्यारी से सब्सक्राइबर है आपशा, उनका बर्थडे है आज, उन्होंने मुझे कल ही बताया था कि उनका बर्थडे है आज करके, तो मैंने सोचा चलो उनको हैप्पी बर्थडे विश कर देती हूँ। आपशा हैप्पी बर्थडे डियर, और आपका जो जन्मदिन है वो काफ़ी अच्छे से जाए, और भर भर के आपको खुशियाँ मिले, जो भी आपको चाहिए वो सब आपको मिले, यही मैं भगवान से प्रे करती हूँ आपके लिए। और हाँ, जिनका भी बर्थडे हो आप मुझे 2-3 दिन पहले बता दिया करो, मतलब मैं अपने वीडियो में जिस दिन आपका बर्थडे होगा उस दिन आपको विश भी करूँगी, और आपके आपका नाम भी लूँगी अपने वीडियो में। तो इसी तरह से यहाँ पर आप लोग लेक पे पहुँच गए थे, और यहाँ पर देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी, और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, हम लोगों ने काफ़ी फोटोज़ भी खींचे यहाँ पे, और काफ़ी मज़े किए, टिकटॉक भी बनाए मेनली। तो
अगर आपने टिकटॉक पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ टिकटॉक पे भी फॉलो कर लेना, मेरी आईडी है मास्ट टैलेंट टिप्स। तो बस यहाँ पर मज़े किए, उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे। सो गाइज हम लोग घर पे आ गए थे और मैंने चेंज वगैरह कर लिया है, काफ़ी देर से आए हैं हम लोग घर पे और व्लॉग को एंड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था वहाँ का भी खाना, हम लोगों ने कहाँ पे एंजॉय किया, वहाँ पे एक वो था मतलब लेक था वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया वहाँ पे भी, सेल्फीज़ वगैरह निकाले, अच्छा लगा वहाँ पे भी जाके। एक्चुअली सिटी में ही है वो, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है सिटी से, आधे घंटे का भी नहीं 20 मिनट का रास्ता है, बट मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ तो इसी वजह से अच्छा लगा मुझे वो प्लेस। और कोंडेश्वर बोलते हैं उसे, अगर अमरावती के आजू बाजू में जो कोई मुझे देख रहा है तो मैं बता दूँ आपको, कोंडेश्वर का मतलब, कोंडेश्वर गए थे हम लोग, काफ़ी लेट हो गया, अभी मैं डिनर बनाती हूँ, मैं सिंपल सा डिनर होने वाला है, मैं बनाने वाली हूँ चिकन, तो क्योंकि आज संडे है तो चिकन ही होगा ज़्यादातर, मतलब नॉनवेज बनता है संडे के दिन, अगर कुछ ऐसा हो मतलब जिस दिन खाने का मन नहीं करे तो उसी दिन नहीं बनता है, बट संडे के दिन ज़्यादातर डिनर में नॉनवेज ही बनाती हूँ मैं। और चिकन की रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो इस बार शेयर करने की ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि आप लोगों के साथ काफ़ी बार मैंने चिकन की रेसिपी शेयर की है और आप लोगों ने काफ़ी बार देखा है मुझे वही वाला चिकन बनाते हुए। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो अच्छा हो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।